गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रीफिक्स। ठीक है दिव्यांश, प्रीफिक्स यस सर। अपन करने वाले हैं। प्रीफिक्स का मैंने पहला वाला पार्ट बताया था, है ना? यस तो सर। इसमें किन किन वर्ड्स के लिए अपन कौन कौन सा प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रीफिक्स के लिए कौन कौन सा वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, पहले साइड में उसको लिख लेते हैं अपन। तो बुक आप लोगों के पास है, यस सर। ओपन कर लीजिए और थोड़ा बताते जाइए। कॉम, कॉन और कॉक के लिए करते हैं। यस सर। कॉम, कौन और कॉक के लिए कॉक के लिए करते हैं। और नीचे क्या है उसके? सर, उसके बाद है सर अकाउंट। मिडिल कॉम है क्या? हाँ सर, मिडिल मिडिल कॉम है। है ना, यस सर। मिडिल कॉम है ना, तो यहाँ पे मिडिल कॉम में कर लेते हैं अपन। और क्या है उसके नीचे सुचित्रा? इंट्रो है सर, इंट्रो। इंट्रो है कि उसके बगल में और कुछ है? एकॉम भी है अकाउंट है सर, ना, अकाउंट। मिडिल कॉम के बाद एकॉम भी है ना। यस सर। देन कॉमो, अकाउंट सर। हाँ, एकॉमो, एकॉम और एकॉमो। एकॉमो तो तब आएगा ना जब अपन वॉवेल आएगा तो पूरा बनाते हैं। ऐसा कुछ है क्या कि दोनों के लिए कर लेते नहीं हैं सर, दोनों के नहीं लिए सर, कर देते दोनों हैं के लिए सर, कर देते हैं। एकॉम और ज्वाइंट, एकॉमो। अच्छा दोनों के लिए है, यस सर। ठीक है। और क्या था? इंट्रो यस है, सर। इंट्रो है सर। देन सर इंट्रो के बाद मैग्ना। मैग्ना ना, यस सर। मैग्ना के साथ साथ और क्या क्या था? सर मैग्ना के साथ मैग्नी, मैग्नी, मैग्ना, मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्ने और मैग्नी। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांस है सर। ट्रांस है। नेक्स्ट सेल्फ, सेल्फ कौन। सेल्फ, सेल्फ कौन, यही है ना, यस सर। सेल्फ, सेल्फ कौन, सेल्फ कौन। सेल्फ, सेल्फ कौन। अच्छा ये अलग है, एंड लगा है ना बीच में, तो ये सेल्फ कौन और कॉम दोनों आ गया। नेक्स्ट क्या है? STR, SKR, इनके साथ सर। इनके साथ। ओके यस सर। ओके, इनके इंस्टर, साथ इंस्टर, क्या था हमारे पास? इन STR, SKR, STR, SKR एंड एच अपवर्ड। एंड एच अपवर्ड, ये अप जाएगा। इनके साथ में अपने को क्या डील करना है, प्रीफिक्स डील करने हैं। इसका पहला पार्ट तो बता दिया था, लेकिन अब इसको फिर से देख लो, देखना है तो रिवीजन हो जाएगा पूरा। देखिए कॉम, कॉन, कॉक के लिए क्या करते हैं जी? सर एक डॉट लगाते हैं डॉट ऊपर। लगाते हैं। इनके लिए सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। कहाँ पे डॉट लगाते हैं प्रिंस? हाँ, इनके साथ टॉप स्टार्ट, में, टॉप में स्टार्ट है ना, पोजीशन। स्ट्रोक के ठीक पीक पॉइंट पे अपन लगाते हैं। एक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, कम में कंबाइन का देख लेते हैं, राइट? अब यस यहाँ सर। पे हमारे पास कंबाइन है, तो ये रहा हमारे पास वर्ड कंबाइन, कंबाइन। राइट? यस सर। कम में आ गया डॉट, बाइन को अपने प्लेसिंग में जमा देंगे हम, यस सर। ये बाइन हो गया, कम बाइन, बाइन। वही है ना, यस कम सर। के लिए डॉट हो गया, आई लगा दिया, आई आया तो, और एन का होकर कंप्लीट कर दिया। और कुछ एग्जांपल करना है? बाकी तो कर लोगे ना, आ रहा है यस समझ सर। में? यस सर, हो जाएगा ठीक सर। है, एक एक एग्जांपल करते हैं इतना संबंधी के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अलग से अपन वीडियो बना लेंगे, राइट? यस सर। मिडिल कॉम में क्या क्या कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं? अच्छा ये तो हो गया कि कहाँ पर लगेगा, एक तरीका और है ना, कहाँ पर नहीं लगता है, सर जहाँ वावा लगा जाता है जैसे जहाँ पे वो, कॉम्पिटिशन। हाँ कॉमोडेशन हो जाएगा, कॉमोडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है, कनॉट दिया हुआ है, यस कनॉट सर। को किया था ना, तो यस सर। सी ए डबल एन ओ टी, यही था ना। यस सर। अब हम बहुत देखे देखे कन के लिए अपन तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कन में ओ का वाविल आ जा रहा है, इसलिए पूरा बनेगा, यही किया ना बुक में, यस सर। पूरा आ जाएगा। तो इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये कनॉट बन जाएगा, ये हालविंग है ना, ये है ना हेल्विंग, ठीक। मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, अगर ऐसा कुछ है तो। मिडिल कॉम में क्या कॉन्सेप्ट है? सर वर्ड को अलग करके लिख देते हैं सर, वर्ड को स्ट्रोक्स अलग को। करके लिखते हैं। क्यों लिखते हैं जी? सर क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे ना सर, जोड़ के लिख देते तो। एक वर्ड है हमारे पास, बिकमली। बिकम, बिकम को बिकम। पहले लेते हैं, यस सर। कम आ गया, यस सर। मिडियल कम बोलते हैं इसको। यस सर। अच्छा बिकमलिंग, बिकमिंगली दिया हुआ है ना, यस सर। बिकमली। क्या स्पेलिंग है यार? आई एन जी, आई एन आई जी एन एल जी वाई, एल वाई। एल वाई। इसमें ना एक मैं फ्रेजेस कर रहा था कुछ दिन पहले, उसको भी लिख ले रहा हूँ। इट इट हैज़ बिकम, आ रहा है? यस सर। क्योंकि बिकम का अपने पास ग्रामर लॉग है सुचित्रा, ठीक है, लेकिन इसको अपन ज्वाइन नहीं करते हैं,
ज्वाइन नहीं करते हैं। ये कैसे बन जाता है जी प्रिंस? ये कैसे बन जाता है? बिकम बनाना है तो सर बी और बी के लिए बनाते हैं, लेकिन इसको ना आई थिंक के से डिसज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ है, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट से इट हैज़ बिकम भी बन जाएगा। हाँ लिख सकते हैं, वो समझने ऊपर है हमारे ऊपर। इट हैज़ बिकम कैसे हो जाएगा? ये इट हैज़ बी और ये कम कर सकते हैं ना। अब बिकमिंगली यहाँ पे इंगली आ रहा है, लेकिन अपने पढ़ा ना मिडिल को, मतलब ये मिड में आना चाहिए, तो मिड में आ रहा है। तो जहाँ पे मिड में आ रहा है, देखिए अगर मिड में आया तो उसी से उसके नेक्स्ट वाले स्ट्रोक से इसको डिसज्वाइन कर देना है। तो बी कौन सा प्लेसिंग किया है? ऑन द लाइन बनाया है ना, तो ये बी ऑन द लाइन कर दो। और आपको कॉम के लिए, कॉम के लिए अलग से डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इंग लगाओ, ली कर दो, क्योंकि हमको पता है एन के साथ में एल डाउनवर्ड ही बनता है मोस्टली, क्योंकि हम लोग ओनली में बनाते हैं, ओनली में बनाते हैं ना। देख लो, नोट करना है तो कर लो। ये ओनली, इट इज़ ओनली करते हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लिया कीजिए जो फ्रेजेस बीच में बताता हूँ। एक कॉम और एक कॉमो जो चीज़ था हमारे पास, क्या करते हैं इसके लिए भी सिर्फ के बनाया जाता है, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, राइट? अब के बनाएंगे, वर्ड बताओ जी दिव्यांश क्या है कॉमो के लिए? एक कंपनी दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेड बाय के, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट बोल रहा है क्या? ज्वाइंट और डिसज्वाइंट दोनों कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ना। तो एक कंपनी में देख लो, एक कंपनी में हमारे पास जैसे कि वर्ड है, स्पेलिंग है ये जी, ठीक है ना? तो ये एकॉम आ गया, एकॉम के लिए के से डिसज्वाइंट कर देना और पनीर अपना पूरा बन जाएगा। तो ये पनी एकॉम पनी, राइट? और एकोमो आ गया तो कोई डाउट है? एकोमो आ गया तो जैसे कि एकोमोडेशन, है ना? क्या बोलते हैं रात रात रुकने की व्यवस्था को एकोमोडेशन, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? बोलते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, नाइट होल्ट एकोमोडेशन, हाँ एकोमोडेशन बोलते हैं। ये एकोमोडेशन वविल लगाना है, लगा दो एकोमोडेशन। एम तो गायब हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से कौन सा बनेगा पता है? रिकमेंडेशन, रिकम है ना। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? रिडेशन बना दो। रिकमेंडेशन में पूरा के एम बनाने की जरूरत, रिडेशन कर दो ना सर, रिकमेंड करते थे ना सर, री का जरूरत ही नहीं है, रिक्शा नहीं बनाना है। हाँ रिकमेंडेशन करना है तो रिकमेंडेशन, ये देखो बेस्ट है, कहाँ सोचने को है ना, शॉर्ट तो करना है। तो वो तो कॉमी के लिए तो डिजाइन कर रहे हैं ना, मिडिल कॉम से तो आ गया ना ये, ठीक है। इंट्रो से क्या कर सकते हैं सुचित्रा? इंट्रो से क्या, इंट्रो से क्या कर सकते हैं? एन टी आर आ रहा है, टी आर आ रहा है, हमको पता है कि एन में अगर टी आर आ गया तो इसको तो पहले बार डायन को डबलिंग कर दो, तो ये इंट्रो हो गया। और वर्ड क्या है हमारे पास, देखो एग्जांपल में क्या वर्ड दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, थर्ड प्लेसिंग जा रहा है, करना कुछ नहीं है। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये इंट्रो और ये ड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड बनाना है तो इंट्रोड्यूस्ड कर लो, इंट्रोस्पेक्शन बनाना है तो ये ऊपर एक सर्कल रिलेशन नीचे, ठीक है चलो नीचे कर लो इंट्रोस्पेक्शन। बस इतना ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ उसमें सन का हुक लगा देंगे। हाँ इंट्रोडक्शन में सन का हुक लगा देंगे, जो बनाया ना अपन, ये रहा ना इंट्रोडक्शन में, ये जैसे कि ये इंट्रो हुआ ना लाइन है, तो ये इंट्रो, ये डक्शन, ये लिखो इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये वाला ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये मैग्ना मैग्ने और मैग्नी के लिए, ये प्रीफिक्स सारे काम के प्रीफिक्स है, राइट? क्या कर सकते हैं मैग्ना मैग्ने मैग्नी के लिए जी? सर एम को डिसज्वाइन कर देना है, एम को डिसज्वाइन कर देना है। कॉम कॉन के लिए डॉट का, और किसके लिए? एकोमो के लिए के का, इंट्रो के लिए एन टी आर डबलिंग का, और क्या था? मैग्ना है। मिडिल कॉम के लिए उसको डिसज्वाइन करते थे, है ना, सेपरेट करके लिखते थे। और क्या है यहाँ पे?
मैग्ना मैग्ने मैग्ने के लिए सिर्फ आपको एम बनाना है और डिजॉइन करके लिखना है। एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अच्छा वर्ड है मैग्नीफाई ले लेते हैं, मैग्नीफाई ग्लास वर्क बोलते हैं। तो मैग्नीफाई कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे आ गया मैग्नी और आपको लिखना है ये मैग्नी और ये फाई, यही था हमारे पास वर्ड सुचित्रा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, ये एम से डिजॉइन कर दिया मैग्नी को, एफ बनाओ और आई का लगा दो, मैग्नीफाई शॉर्ट कर दिए, बस याद तो करना है अपने को। अब पूरा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, ये मैग्नीफाई तो अपने को टाइम तो बचाना है ना। तो प्रीफिक्स में आ गए तो यहाँ पे, और अगर प्रीफिक्स में नहीं है तो आप फिर यही वाला बनाओ, नहीं आ रहा है समझ में तो इसको तो कोई भी बना सकता है, जिसका डिप्थोंग हुआ वो भी कर सकता है, राइट। ट्रांस में क्या कर सकते हैं अपन, ट्रांस में ट्रांस में पूरा बनाना है, एन गायब करते हैं ट्रांस में, एन का ऑमिशन होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। जैसे कि लाइन देखते हैं अपन, सॉरी वर्ड्स देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ट्रांसफर, तो सपोज हम लोग को ट्रांसफर लिखना है प्रिंस, तो ट्रांसफर क्या करेंगे, ये ट्रांसफर, ये तो लॉन्ग हो गया। तो ट्रांसफर के केस में क्या करना है, हमेशा एन को आप लोगों को ओमिट कर देना है, और आपको पढ़ना क्या है, और जैसे कि वर्ड है हमारे पास ये ट्रांसफर, तो इमेजिन करना है कि ये ट्रांसफर ही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रांस और ये फर, ट्रांसफर बना करके ट्रांसफर पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते ना, अगर यहाँ पे एन एस करते हैं दिव्यांश, देख लो इसको भी देख लो, ये ट्रांस हो गया, कहाँ से एफ घुमाओगे, पॉसिबल नहीं है ना, ये एफ आप फिर वापस लेके ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये ट्रांस मतलब ट्रांस और ये फर्ज है, हमको आर भी उसमें अटैच करना है, इसलिए ध्यान पे रखते हुए, क्योंकि एक साथ एन एस में भी हम आर अटैच नहीं कर सकते। और क्या हमारे पास, एक एक एग्जांपल के साथ में इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेल्फ कौन, सेल्फ सेल्फ एंड सेल्फ कौन कॉग कॉम, सॉरी कॉग तो नहीं होता ना, कॉग नहीं होता इसमें, उसमें होता है कौन कॉम वाले में कॉग होता है, रिकॉग्नाइज हो गया। रिकॉग्नाइज बनाना है तो कैसे बनेंगे रिकॉग्नाइज जी, इसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा स्लाइड में। रिकॉग्नाइज कैसे बनाएंगे दिव्यांश, नींद आ रही, देखो रे कग नाइज, लगाना है तो लगाओ आई, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। डिजॉइन हुआ है मतलब या तो कॉम या तो कॉन या तो कॉग। अब रिकॉग्नाइज तो नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज तो होगा नहीं, रिकॉग्नाइज गे को हल्का सा टच करके एन में उठा देना है, बोलते समय भी ऐसे करते हैं, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज, राइट। आ जाए दिव्यांश समझ में। अब जो बच्चा है सेल्फ एंड सेल्फ कॉन कॉग, सेल्फ कॉन कॉम, और इनके साथ में कैसे एस टी आर एस के आर एंड एच अपवर्ड को मर्ज करते हैं, अब यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, उसको देखते हैं अपन कंटिन्यूली, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेल्फ कॉन एंड सेल्फ कॉम कॉन में कैसे अपन इसको अप्लाई करते हैं वर्ड के थ्रू। एग्जांपल क्या जी हमारे पास, सेल्फ पोजीशन, सेल्फ पोजीशन, 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 सेशन, स्पेलिंग बताओ, सेल्फ पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ, यही था। देखो यहाँ पे इस टाइप के वर्ड में हमेशा हाइफन लगता है ना, हाइफन लगाते हैं ना, डैश थ्री लगाते हैं, डैश थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हाइफन लगा दिया। तो सेल्फ पोजीशन में क्या करते हैं अपन, सेल्फ के लिए क्या करते हैं जी, सर्कल लगाते हैं, कहाँ पे सर्कल लगाते हैं, सेकंड प्लेसिंग में लगाते हैं ना, बिफोर पार्ट में लगता है, आफ्टर में तो कभी नहीं लगता। तो ये सेल्फ सेकंड प्लेसिंग में लग जाएगा अपना ये पोजीशन, किसका, सर्कल का। और सेल्फ पोजीशन में क्या करेंगे, पहले पोजीशन को पहले बना देना, राइट। तो कौन से कॉन्सेप्ट से बन जाएगा पोजीशन, ये सर्कल और सनुक से बनेगा, ठीक है। इसके लिए एस सर्कल लगा दिया, फिर सनुक लग जाएगा, तो ये पोजेशन, और यहाँ पे सेल्फ का, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे लग जाएगा सेल्फ का, सेकंड में लगेगा ना बिफोर प्लेसिंग में, आया जी समझ में। और क्या था हमारे पास जी त्रिपाठी जी, सेल्फ कंट्रोल एक सिंपल वर्ड ले लेते हैं, है ना, ये अपने जेई लेवल का एग्जांपल बता दिया था। तो सेल्फ कंट्रोल ले ले, अब देखो यहाँ पे कंट्रोल, अब इसमें एग्जांपल में सीखने लायक बात ये है कि हमारे पास कंधे आ गया,
सेल्फी आ गया, और हमने अभी यही देखा कि ये सेल्फ में भी इसी को यूज, सर्कल को यूज़ करना है, और सेल्फ कौन में भी आएगा तो यही सर्कल को यूज़ करना है। तो इसमें आउटलाइन किस चीज़ की बनेगी? इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल। आपको बनाना है ट्रोल। आप ट्रोल सेकंड प्लेसिंग है, लगा दो ट्रोल। और सेल्फ कौन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कौन के लिए क्या करते हैं? डॉट लगा, सर्कल, सॉरी सर्कल लगाएंगे। डॉट तो कौन के लिए लगाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओह सॉरी, कौन के प्लेसिंग में लगाएंगे? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेल्फ आया था ना, ठीक है ना, गलती तो नहीं है ना, सही है ना, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वहाँ पे कौन नहीं आया था, यहाँ पे कौन आया इसीलिए थोड़ा ऊपर में गया, राइट। अब इन एस के आर एस टी आर एच अपवर्ड में कैसे यूज करते हैं, इसके एग्जांपल पहले लिख रहे थे। एग्जांपल बताओ त्रिपाठी जी। हाँ, इंस्ट्रक्टिव, 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 हाँ हाँ, एस टी आर में आ जाएगा ना, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। इंस्ट्रक्टिव ले लेते हैं, और बताओ इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ये तो डेरिवेटिव हो जाएगा। और बताओ प्रिंस, एस के आर में तो बताओ, इंस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग, हाँ, और क्या है, इंस्क्रिप्शन, 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 नेक्स्ट इंस्टाग्राम ले सकते हैं, इंस्टाग्राम बना सकते हैं। इंस्टाग्राम कैसे बनाएंगे सर? नहीं बनेगा। इंस्टाग्राम लिख लेते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा देख लेते हैं। एक लास्ट वर्ड क्या कर सकते हैं अपन, इनहैबिट है ना? यस सर, इनहैबिटेंट, इन हैबिट, हैबिट, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी त्रिपाठी जी। यस सर, लास्ट टॉपिक, उसके बाद नेगेटिव वर्ड करना है ना इसमें। यस सर, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे जी प्रिंस? हाँ सर, इंस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे? वही सर, इंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे अपन देखिए एस टी आर आ रहा है, हाँ सर, सब में इन कॉमन है जी, है ना? तो यहाँ पे जो एस टी आर, ये एस के आर और ये एस टी, तो यहाँ पे आर नहीं आ रहा तो बनेगा नहीं। अब यहाँ पे एच आ रहा है तो एच के साथ में हम लोग बनाएंगे। एक चीज़ हम लोग को देखना था ना, तो अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्टिव में यही चीज़ समझना था ना अपने को। अब इसमें लिए अपन रेड मार्कर यूज़ करते हैं, इतना खर्चा किए तो अलग अलग मार्कर से बनाएंगे। बजट ठीक ठाक है फिलहाल अभी तो। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव में क्या कर लेंगे जी प्रिंस? सर, हम लोगों को इन के लिए क्या है, एक हल्का सा हुक लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले स्ट्रक्टिव बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का आउटलाइन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ये स्ट्रक्टर बन जाएगा, स्क्रिप्शन बन जाएगा, ये तो बनेगा नहीं, हैबिट हो गया, है ना, हुक लग जाएगा उसमें, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, उन लोगों को करना है तो इधर देखो आप। स्ट्रक्टिव कैसे बनाएंगे सर? एस टी आर, एस टी आर, ठीक है जी। हाँ, ये लेकिन ये इन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये थ्रू द लाइन चला जाएगा। इंस्ट्रक्टिव, हाँ, इंस्ट्रक्टिव, इन से स्टार्ट होगा थ्रू द लाइन जाएगा, लेकिन हम लोग पहले स्ट्रक्टिव बनाएंगे तो ऑन द लाइन बनाएंगे ना, तो इन सॉरी स्ट्रक टिव, सही है, स्ट्रक्टर बना ले, ये स्ट्रक और ये टर, स्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, तो ये स्क्रिप्शन, राइट, इंस्टाग्राम में तो होगा नहीं, ये इंस्टा और ये ग्राम, राइट, हैबिट बना लेते हैं, है पिट का पेंसिल गिरा रहे हो ये, ठीक है। इसको हमने अभी इनकम्प्लीट बनाया है, क्या नहीं लगा है जी इसमें अभी? इन नहीं लगा है। तो अभी हम लोग एक ड्रॉ करेंगे कि हमको लगाना है इन, इन के साथ में लगाएंगे तो पोजीशन इनकी चेंज हो जाएगी ना। वो तो थर्ड प्लेसिंग में आ गया ना भाई,
राइट। चलिए देखते हैं अब कैसे बनेगा ये। अब त्रिपाठी जी इसमें देखिए, इंस्ट्रक्टिव बनाएंगे तो सेम आउटलाइन पे आपको कुछ नहीं करना है, सभी में सामने में एक हुक लगाते चलना है। ये हुक लगाया, हुक लगाया, ये हुक लगाया और ये हुक लगाया, मतलब जहाँ से आप इसके आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टिक लगाते जाएंगे। लेकिन अभी अब ये हो गया गलत, क्योंकि सभी में क्या है, थर्ड प्लेसिंग है। ये तब तक के लिए सही था जब तक हम लोगों ने इसमें इन को अटैच नहीं किया था, लेकिन जब इन लगाएंगे तो इसकी आउटलाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्टिव राइट, तो बड़ा बनेगा थोड़ा सा, यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है। इंस्ट्रक्टर तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्टर, डबलिंग कर दी। वही चीज़ हम लोग इंस्क्रिप्शन में करेंगे। ये इंस्क्रिप्शन ये तो अपने जगह पे बनेगा, इंस्टाग्राम तो पूरा अपने जगह पे बनेगा। इन हैबिट में ये इन ये है और ये हाल्विंग। ये हमारा इनका कॉन्सेप्ट भी कम्प्लीट हो गया, सेल्फ एंड सेल्फ कॉन कॉम का भी कॉन्सेप्ट कम्प्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या, नेगेटिव वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है जी त्रिपाठी जी। यस सर। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रीफिक्स के नेगेटिव वर्ड्स में और उनके लोगोग्राम्स में प्रीफिक्स का कैसे यूज़ होता है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, ह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, लिमिटेबल, इलिमिटेबल, नेसेसरी, अननेसेसरी, इनमें कुछ भी नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे आपको इन दिख रहा है, एल दिख रहा है, अन दिख रहा है, एन पूरा लगा दीजिए, एल पूरा बनाइए और इन पूरा लगाइए। यहाँ पे अलग से इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम ह्यूमैनिटी, लिमिटेबल, नेसेसरी, तो इसको भी जिस कॉन्सेप्ट से पहले पूरा बनाते हैं उसको पूरा ही बनाएंगे हम लोग। ह्यूमैनिटी में यहाँ पे एच का टिक लगा देंगे एम में, राइट, एन पूरा बनेगा, टी पूरा बनेगा, तो ये यू मैं नी टी कंप्लीट। यू लगाना है तो लगाइए, यू यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपको इनह्यूमैनिटी करना है तो कैसे करेंगे, ये पूरा बन जाएगा, एन पूरा बनाइए, इन यू में नी और ये टी, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे इन का डॉट लगाना है तो भी ठीक है, नहीं लगाना है तो भी ठीक है ना, यू का है यहाँ पे, इनह्यूमैनिटी ये हो गया। लिमिटेबल हो जाएगा, तो लिमिटेबल में पहली बात तो ये टी आ गया, तो एम को हाफ करेंगे, ली मी और बल बना देंगे, राइट, है ना। इलिमिटेबल में क्या करेंगे, इलिमिटेबल में क्या कर सकते हैं अपन, डाउनवर्ड एल बनाएंगे क्योंकि वॉवेल आ गया है, तो इल ली मी टेबल, यही है क्या सर, कि नहीं है दूसरा है, वही है ना, डबल एल बनाया हुआ आपने, उसने एक ही एल में निपटा दिया। अच्छा, एक ही एल में निपटा दिया है, तो ठीक है अपन इसको एक ही एल में बनाते हैं, इलिमिटेबल। हाँ, एक ही एल में काम चल जा रहा है, लेंदी भी हो जाएगा, मैं क्या बना रहा हूँ, इलिमिटेबल ही बन जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा इलिमिटेबल, ये इलिमिटेबल। अपने को शॉर्ट जब करना है तो फिर लॉन्ग करने से मतलब है। तो यहाँ पे नेसेसरी देखते हैं, नेसेसरी हम लोग पहले भी बना चुके हैं, डबल सी आ गया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे नेसेसरी हो जाएगा एन डबल एस और री नेसेसरी। अननेसेसरी में क्या करेंगे सुचित्रा, ये अन नेसेसरी वॉवेल लगा दो, यहाँ पे वॉवेल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रे अपट गया है, मतलब उसमें वॉवेल लगा हुआ है। ऑल में ऑलमोस्ट में क्या, ये लोगोग्राम्स हो गया, ऑलमोस्ट में क्या करेंगे, ये ऑल अपन बना देंगे लोगोग्राम्स और मोस्ट बना देंगे, राइट। अंडरस्टैंड में क्या करेंगे जी, अंडर का ग्रामर लॉग है क्या हमारे पास सर, वो छोटा सा रहता है, छोटा सा बनाते हैं तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये अंडर ये माइन हो जाएगा, कर सकते हैं सर, ये छोटा बन गया, इसको पूरा बड़ा बनाएंगे ना, ये अंडर माइन क्योंकि तो हाल्विंग जैसा दिखेगा। अनइम्पॉर्टेंट में क्या करेंगे सर, अन के लिए अन बनाएंगे और इम्पोर्टेंट के लिए ऊपर बना देंगे ग्रामर लॉग, राइट। सेल्फिशनेस में क्या करने वाले हैं अपन सर, नेस कर देंगे, दोनों के लिए तो सेम बनता है एक्चुअली, दोनों के लिए सेम बनता है। तो यहाँ पे इस बना करके ना, यहाँ पे देखिए एस का सर्कल लगाना है, ये एस इस बनाओगे तो सेल्फिश बन जाता है, इशनेस कर देते हैं और हाँ ये डिफरेंस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और सेल्फिशनेस करना है तो क्या कर सकते हैं, सेल्फिशनेस ऐसा कर सकते हैं क्या,
हाँ ऐसा भी कर सकते ये तो हैं। पूरा बना सकते हैं, या फिर ये सेल्फिशनेस ये भी कर सकते हाँ, हैं, मैं वही वाला बोल है ना। इंस्क्राइब अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इन के लिए क्या करते हैं टिक लगाते हैं, तो इंस्क्राइब्ड में कैसे कर सकते हैं ये इंस्क्राइब्ड, वो तो बी तो है, ये तो ये इंस्क्राइब हो गया, और इंस्क्राइब्ड में क्या कर देंगे हाइविंग कर देंगे, ये लाइन है इंस्क्राइब्ड, ठीक है। इंस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन ये इंस, और ये सॉरी 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 इंस्ट्रक्शन ऐसा बनेगा। इंस्ट्रक्टिव में कैसा बन जाएगा ये इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव के तो पूरा बनेगा ना, है ना। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों ये कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। क्या था ये हमारा कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स का टॉपिक था, नेगेटिव वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं, और मैंने साथ साथ में ग्रामर लॉ को भी अटैच कर दिया इस टॉपिक में। तो इसके अदर वर्ड की प्रैक्टिस आप लोग कैसे करेंगे, बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नेट से भी एग्जांपल निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल मिलेंगे आप लोगों को। फिर उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए सिंगल वर्ड, देन प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ना लिखा जाए सारा करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।